कोरोना काल है, दूसरी लहर अपना भयावह रूप दिखा रही है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे में दिल बढ़ाकर गरीबों की मदद करने की जगह निजी अस्पताल मरीजों के परिजनों से बेड के नाम पर तो कभी दवाइयों के नाम पर ज्यादा चार्ज वसूल रहे हैं, जिससे मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हैं। लेकिन क्या करें, मरीज की जान तो बचानी है। ऐसे में कैसे भी कहीं से भी वो पैसे का इंतजाम कर निजी अस्पतालों का पेट भरते हैं। ऐसे ही दो अस्पतालों को फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब मांगा गया है। हाँ, हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी कुछ ओवरचार्जिंग करने की पेशेंट के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। उसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार हमने उन पर ये कार्रवाई की है, उनको 100 का नोटिस दिया है और उनकी प्रश्न सुनवाई भी करेंगे ताकि तथ्यों का पता लग सके। किस तरह की ओवर चार्जिंग थी, क्या कुछ शिकायत में मिला है? शिकायत है कि भाई टिकट के ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं या बेड के चार्जेस ज़्यादा लगा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उससे ज़्यादा थे। कौन कौन से हॉस्पिटल हैं सर, ये अगर नाम? ये जैनिक हॉस्पिटल और पवन हॉस्पिटल सेक्टर 56। कब तक का नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है? 3 दिन के लिए जवाब देने के लिए कहा गया। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या नेक्स्ट कार्रवाई भी की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, उसमें उनको डिरजिस्टर किया जा सकता है, एफआईआर भी लॉन्च की जा सकती है अगर पाए जाते हैं तो। इससे पहले जिला प्रशासन को जेनिथ हॉस्पिटल और पवन हॉस्पिटल के बारे में मरीजों के परिजनों से शिकायत मिली थी। सेक्टर 10 में रहने वाले एक बुजुर्ग वीके शर्मा ने सीएमओ को शिकायत की थी कि उनका बेटा क्षितिज भारद्वाज को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बल्लभगढ़ के जेनिथ अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके बाद अस्पताल वाले उनसे 70,000 रुपए वसूल कर रहे हैं। इसी हिसाब से अभी तक अस्पताल उनसे 5,23,900 रुपए ले चुका है, जबकि उनके बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। बहरहाल अब स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।